श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रथम भाग परिच्छेद एक प्रथम दर्शन। श्री गंगा जी के पूर्व तट पर कलकत्ते से कोई 6 मील दूर दक्षिणेश्वर में श्री काली जी का मंदिर है। यहीं भगवान श्री रामकृष्ण देव रहते हैं। वसंत ऋतु है, 1882 ईस्वी का फरवरी मास। श्री रामकृष्ण के जन्मोत्सव के बाद कुछ दिन बीत चुके हैं। श्री केशव चंद्र सेन और जोसेफ कुक के साथ 23 फरवरी बृहस्पतिवार के दिन श्री रामकृष्ण जहाज में बैठकर घूमने गए थे। इसके कुछ ही दिन बाद 26 फरवरी की घटना है। संध्या का समय था। मास्टर ने श्री रामकृष्ण के कमरे में प्रवेश किया। इसी समय उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के प्रथम बार दर्शन किए। उन्होंने देखा कमरा लोगों से भरा हुआ है। सब लोग चुपचाप बैठे उनके वचनामृत का पान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण तख्त पर पूर्व की ओर मुंह किए बैठे हुए प्रसन्न वदन हो ईश्वरीय चर्चा कर रहे हैं। भक्तगण फर्श पर बैठे हुए हैं। मास्टर खड़े खड़े आश्चर्य मुग्ध होकर देखने लगे। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साक्षात शुकदेव भगवत प्रसंग कर रहे हैं तथा उस स्थान पर सभी तीर्थों का समागम हुआ है, अथवा मानो श्री चैतन्य देव पुरी धाम में रामानंद स्वरूपादि भक्तों के साथ बैठकर भगवान का नाम गुणगान कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कह रहे थे, जब एक बार हरि नाम या राम नाम लेते ही रोमांच होता है, आंसुओं की धारा बहने लगती है, तब निश्चित समझो कि संध्यादि कर्मों की आवश्यकता नहीं रह जाती। तब कर्म त्याग का अधिकार पैदा हो जाता है। कर्म अपने ही आप छूट जाते हैं। उस अवस्था में केवल राम नाम हरि नाम या केवल ओमकार का जप करना ही पर्याप्त है। संध्या वदन का लय गायत्री में होता है और गायत्री का ओमकार में। मास्टर सिद्धू यानी श्री सिद्धेश्वर मजुमदार के साथ वराहनगर से निकलकर एक बाग से दूसरे बाग में घूमते हुए यहां आ पहुंचे थे। रविवार का दिन था, छुट्टी थी, इसलिए घूमने निकले थे। थोड़ी देर पहले श्री प्रसन्न बैनर्जी के बाग में घूम रहे थे। उस समय सिद्धू ने कहा, गंगा जी के किनारे एक सुंदर बगीचा है, देखने चलिएगा, वहां एक परमहंस रहा करते हैं। बगीचे के सामने वाले फाटक से प्रवेश कर मास्टर और सिद्धू सीधा श्री रामकृष्ण देव के कमरे में आए। मास्टर विस्मित होकर देखते हुए सोचने लगे, वाह कैसा सुंदर स्थान है, कितने अच्छे महात्मा हैं, कैसी सुंदर वाणी है, यहां से हिलने तक की इच्छा नहीं होती। थोड़ी देर बाद उन्होंने मन में विचार किया, एक बार देखा हूं कहां आया हूं, फिर यहां आकर बैठूंगा। मास्टर सिद्धू के साथ कमरे के बाहर निकले। ठीक उसी समय आरती की मधुर ध्वनि आरंभ हुई। एक साथ घंटे घड़ियाल झांझ मृदंग आदि बज उठे। उद्यान के दक्षिण सीमा से नौबत की मधुर ध्वनि गूंज उठी। वह ध्वनि मानो भागीरथी के वक्ष पर से संचार करती हुई कहीं दूर जाकर विलीन होने लगी। वसंत समीर पुष्पों की सुगंध लिए मंद मंद बह रहा था। प्रकृति में सर्वत्र मानो देवताओं की आरती का आयोजन हो रहा था। 12 शिव मंदिर, श्री राधाकांत मंदिर और श्री भवतारिणी के मंदिर में आरती देखकर मास्टर को अत्यंत प्रसन्नता हुई। सिद्धू ने बताया, ये रासमणि का देवस्थान है, यहां देवताओं की नित्य सेवा पूजा होती है, रोज कई लोग आते हैं, कई साधु संत ब्राह्मण भिखारी यहां प्रसाद पाते हैं। भवतारिणी के मंदिर से निकलकर दोनों बातचीत करते करते पक्के विस्तीर्ण आंगन पर से चलते हुए पुनः श्री रामकृष्ण के कमरे के सामने आ पहुंचे। उन्होंने देखा कमरे का दरवाजा अब भिड़ा लिया गया है। कमरे के भीतर अभी धूप दिखाया गया है। मास्टर अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी हैं, सहसा घर में घुस न सकते थे। द्वार पर वृंदा कहारिन खड़ी थी। मास्टर ने पूछा, साधु महाराज क्या इस समय कमरे के भीतर हैं? हां वे भीतर हैं,
ये यहां कब से हैं? ये बहुत दिनों से हैं। अच्छा, तो पुस्तकें खूब पढ़ते होंगे। पुस्तकें? उनके मुंह में सब कुछ है। मास्टर हाल ही में पढ़ाई लिखाई पूरी कराए थे। श्री रामकृष्ण पुस्तकें नहीं पढ़ते, ये सुनकर उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। अब तो ये शायद संध्या करेंगे, क्या हम भीतर जा सकते हैं? एक बार खबर दे दो ना। तुम लोग जाते क्यों नहीं? जाओ भीतर बैठो। तब दोनों ने कमरे में प्रवेश किया। देखा कमरे में और कोई नहीं है। श्री रामकृष्ण अकेले तख्त पर बैठे हैं। कमरे में धूप की सुगंध भर रही है। सभी दरवाजे बंद हैं। मास्टर ने अंदर आते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण द्वारा बैठने की आज्ञा पाकर वे और सिद्धू फर्श पर बैठ गए। श्री रामकृष्ण ने पूछा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, वराहनगर क्यों आए इत्यादि। मास्टर ने कुल परिचय दिया। वे देखने लगे कि श्री रामकृष्ण का मन बीच बीच में मानो दूसरी ओर खींच रहा है। उन्हें बाद में मालूम हुआ कि इसी को भाव कहते हैं। मानो कोई बंसी डालकर मछली पकड़ने बैठा है, जब मछली आकर कांटे में लगे चारे को खाने लगती है और बंसी का शोला हिलने लगता है, उस समय वह आदमी किस प्रकार व्यस्त होकर बंसी को पकड़ते हुए एकाग्र चित्त से शोले की ओर टक लगाकर देखने लगता है, किसी से बातचीत नहीं करता। ये भी ठीक उसी प्रकार का भाव था। बाद में मास्टर ने सुना और देखा कि संध्या के बाद श्री रामकृष्ण को इस प्रकार का भावांतर प्रायः प्रतिदिन हुआ करता है। कभी कभी तो वे पूरी तरह बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं। मास्टर श्री रामकृष्ण से कहते हैं, आप तो अब संध्या करेंगे, हम अब चलें? श्री रामकृष्ण भावस्थ, नहीं संध्या, ऐसा कुछ नहीं। और कुछ देर बातचीत होने के बाद मास्टर ने प्रणाम किया और चलना चाहा। श्री रामकृष्ण ने कहा, फिर आना। मास्टर लौटते समय सोचने लगे, ये सौम्य दर्शन पुरुष कौन है? इनके पास फिर लौट जाने की इच्छा हो रही है। क्या बिना पुस्तकों के पढ़े भी मनुष्य महान बन सकता है? कितना आश्चर्य है, मुझे यहां फिर आने की इच्छा हो रही है। इन्होंने भी कहा फिर आना, कल या परसों सवेरे फिर आऊंगा। द्वितीय दर्शन। द्वितीय दर्शन का प्रसंग सुबह का समय था, 8 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण उस समय दाढ़ी बनवाने की तैयारी में थे। तब भी थोड़ी ठंडी थी, इसलिए वे शरीर पर गर्म किनारीदार शॉल ओढ़े हुए थे। मास्टर को देखकर उन्होंने कहा, तुम आए हो, अच्छा यहां बैठो। यह वार्तालाप श्री रामकृष्ण के कमरे के दक्षिण पूर्व बरामदे में हो रहा था। नाई आया हुआ था। श्री रामकृष्ण उसी बरामदे में बैठकर दाढ़ी बनवाने लगे। बीच बीच में वे मास्टर के साथ बातचीत कर रहे थे। शरीर पर शॉल थी, पैरों में जूतियां, साहस्य वदन थे। बात करते समय कुछ तुतलाते थे। श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं, क्यों जी, तुम्हारा घर कहाँ है? जी कलकत्ते में। यहां कहाँ आए हो? यहां वरानगर में बड़ी दादी के घर आया हूं, ईशान कविराज के यहां। ओहो, ईशान के यहां। श्री केशव चंद्र सेन के लिए श्री रामकृष्ण का जगन माता के पास रोना। श्री रामकृष्ण कहते हैं, क्यों जी, केशव अब कैसा है? बहुत बीमार था। मास्टर कहते हैं, जी हां, मैंने भी सुना था कि बीमार हैं, पर अब शायद अच्छे हैं। मैंने तो केशव के लिए मां के निकट नारियल और चीनी की पूजा मानी थी। रात को जब नींद उचट जाती थी, तब मां के पास रोता और कहता था, मां केशव की बीमारी अच्छी कर दे। केशव अगर ना रहा तो मैं कलकत्ते जाकर बातचीत किससे करूंगा? इसी से तो नारियल चीनी मानी थी। क्यों जी, क्या कोई कुक साहब आया है? सुना है वो
लेक्चर देता है। मुझे केशव जहाज पर चढ़ाकर ले गया था, कुक साहब भी साथ था। जी हां, ऐसा ही कुछ मैंने भी सुना है, परंतु मैंने उनका लेक्चर कभी नहीं सुना। उनके विषय में ज्यादा कुछ मैं नहीं जानता। गृहस्थ तथा पिता का कर्तव्य। श्री रामकृष्ण कहते हैं, प्रताप का भाई आया था, कुछ दिन यहां रहा, काम काज कुछ है नहीं, कहता है मैं यहां रहूंगा। सुनते हैं जोरू जाता सबको ससुराल भेज दिया है, कच्चे बच्चे कई हैं। मैंने खूब डांटा, भला देखो तो लड़के बच्चे हुए हैं, उनकी देख रेख उनका पाल पोष तुम ना करोगे तो क्या कोई गांव वाला करेगा? शर्म नहीं आती, बीवी बच्चों को ससुर के यहां रख दिया है, उन्हें कोई और पाल रहा है। बहुत डांटा और कामकाज खोज लेने को कहा, तब यहां से गया। मास्टर का तिरस्कार और उनका अहंकार चूर्ण करना। श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं, क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? जी हां। अरे रामलाल, अरे अपना विवाह तो इसने कर डाला। रामलाल श्री रामकृष्ण के भतीजे और काली जी के पुजारी हैं। मास्टर घोर अपराधी जैसे सिर नीचे किए हुए चुपचाप बैठे रहे। सोचने लगे, विवाह करना क्या इतना बड़ा अपराध है? श्री रामकृष्ण ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे लड़के बच्चे भी हैं? मास्टर का कलेजा कांप उठा, डरते हुए बोले, जी हां, लड़के बच्चे हुए हैं। श्री रामकृष्ण ने फिर दुख के साथ कहा, अरे लड़के भी हो गए। इस तरह तिरस्कृत होकर मास्टर चुपचाप बैठे रहे। उनका अहंकार चूर्ण होने लगा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण सस्नेह कहने लगे, देखो तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं, ये सब मैं किसी के कपाल आंखें आदि को देखते ही जान लेता हूं। अच्छा, तुम्हारी स्त्री कैसी है? विद्याशक्ति है या अविद्याशक्ति? जी अच्छी है, पर अज्ञान है। और तुम ज्ञानी हो? मास्टर नहीं जानते ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे। अभी तो उनकी धारणा यही है कि कोई लिख पढ़ ले तो मानो ज्ञानी हो गया। उनका ये भ्रम दूर तब हुआ जब उन्होंने सुना कि ईश्वर को जान लेना ज्ञान है और उसे न जानना अज्ञान। श्री रामकृष्ण की इस बात से कि तुम ज्ञानी हो, मास्टर के अहंकार पर फिर धक्का लगा। श्री रामकृष्ण आगे पूछते हैं, अच्छा तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर? मास्टर मन ही मन सोचने लगे, यदि साकार पर विश्वास हो तो क्या निराकार पर भी विश्वास हो सकता है? ईश्वर निराकार है यदि ऐसा विश्वास हो तो ईश्वर साकार है ऐसा भी विश्वास कभी हो सकता है? ये दोनों विरोधी भाव किस प्रकार सत्य हो सकते हैं? सफेद दूध क्या कभी काला हो सकता है? वे कहते हैं, निराकार मुझे अधिक पसंद है। अच्छी बात है, किसी एक पर विश्वास रखने से काम हो जाएगा। निराकार पर विश्वास करते हो, अच्छा है, पर यह ना कहना कि यही सत्य है और सब झूठ। ये समझना कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। जिस पर तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकड़े रहो। दोनों सत्य हैं, यह सुनकर मास्टर चकित हो गए। ये बात उनके किताबी ज्ञान में तो थी ही नहीं। तीसरी बार धक्का खाकर उनका अहंकार चूर्ण हुआ, पर अभी कुछ रह गया था, इसलिए फिर वे तर्क करने को आगे बढ़े। अच्छा, वे साकार हैं यह विश्वास मानो हुआ, पर मिट्टी की या पत्थर की मूर्ति तो वे हैं नहीं। मिट्टी की मूर्ति वे क्यों होने लगे? मिट्टी या पत्थर नहीं, चिन्मयी मूर्ति। चिन्मयी मूर्ति? ये बात मास्टर न समझ सके। उन्होंने कहा, अच्छा जो मिट्टी की मूर्ति पूछते हैं
उन्हें समझाना भी तो चाहिए कि मिट्टी की मूर्ति ईश्वर नहीं है और मूर्ति के सामने ईश्वर की ही पूजा करना ठीक है, किंतु मूर्ति की नहीं। श्री रामकृष्ण अप्रसन्न होकर कहते हैं, तुम्हारे कलकत्ता के आदमियों में यही एक धुन सवार है, सिर्फ लेक्चर देना और दूसरों को समझाना, अपने को कौन समझाए इसका ठिकाना नहीं। अजी, समझाने वाले तुम हो कौन? जिनका संसार है वे समझाएंगे, जिन्होंने सृष्टि रची है, सूर्य चंद्र मनुष्य जीव जंतु बनाए हैं, जीव जंतुओं के भोजन के उपाय सोचे हैं, उनका पालन करने के लिए माता पिता बनाए हैं, माता पिता में स्नेह का संचार किया है, वे समझाएंगे। इतने उपाय तो उन्होंने किए हैं और ये उपाय वे ना करेंगे? अगर समझाने की जरूरत होगी तो वे समझाएंगे, क्योंकि वे अंतर्यामी हैं। यदि मिट्टी की मूर्ति पूजने में कोई भूल होगी तो क्या वे नहीं जानते कि पूजा उन्हीं की हो रही है? वे उसी पूजा से संतुष्ट होते हैं। इसके लिए तुम्हारा सिर क्यों धमक रहा है? तुम ये चेष्टा करो जिससे तुम्हें ज्ञान हो, भक्ति हो। अब शायद मास्टर का अहंकार बिल्कुल चूर्ण हो गया। वे सोचने लगे, ये जो कह रहे हैं वो ठीक ही तो है, मुझे दूसरों को समझाने की क्या जरूरत? क्या मैंने ईश्वर को जान लिया है या मुझ में उनके प्रति विशुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई है? स्वयं के सोने के लिए जगह नहीं है और लोगों को न्योता दे रहे हैं। स्वयं को कुछ ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है और दूसरों को समझाने चले हैं। वास्तव में कितनी लज्जा की बात है, कितनी हीन बुद्धि का काम है। क्या यह गणित, इतिहास या साहित्य है कि दूसरों को समझा दे? यह ईश्वरीय ज्ञान है। ये जो बातें कह रहे हैं वे कैसे हृदय को स्पर्श कर रही हैं? श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर का यही प्रथम और यही अंतिम तर्कवाद था। श्री रामकृष्ण आगे कहते हैं, तुम मिट्टी की मूर्ति की पूजा की बात कहते थे, यदि मिट्टी ही की हो तो भी उस पूजा की जरूरत है। देखो, सब प्रकार की पूजाओं की योजना ईश्वर ने ही की है। जिनका ये संसार है उन्होंने ही ये सब किया है। जो जैसा अधिकारी है उसके लिए वैसा ही अनुष्ठान ईश्वर ने किया है। लड़के को जो भोजन रुचता है और जो उन्हें सही है वही भोजन उसके लिए मां पकाती है, समझे? जी हां। आगे मास्टर विनीत भाव से पूछते हैं, ईश्वर में मन किस तरह लगे? सर्वदा ईश्वर का नाम गुणगान करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, बीच बीच में भक्तों और साधुओं से मिलना चाहिए। संसार में दिन रात विषय के भीतर पड़े रहने से मन ईश्वर में नहीं लगता। कभी कभी निर्जन स्थान में जाकर ईश्वर की चिंता करना बहुत जरूरी है। प्रथम अवस्था में बीच बीच में एकांतवास किए बिना ईश्वर में मन लगाना बड़ा कठिन है। पौधे को चारों ओर से रूंधना पड़ता है, नहीं तो बकरी चर लेगी। ध्यान करना चाहिए मन में, कोने में और वन में, और सर्वदा सत असत विचार करना चाहिए। ईश्वर ही सत अथवा नित्य वस्तु है और सब असत अनित्य। बारंबार इस प्रकार विचार करते हुए मन से अनित्य वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। संसार में किस तरह रहना चाहिए? सब काम करना चाहिए परंतु मन ईश्वर में रखना चाहिए। माता पिता, स्त्री पुत्र आदि सब के साथ रहते हुए सबकी सेवा करनी चाहिए, परंतु मन में इस ज्ञान को दृढ़ रखना चाहिए कि ये हमारे कोई नहीं है। किसी धनी के घर की दासी उसके घर का कुल काम करती है, किंतु उसका मन अपने गांव के घर पर लगा रहता है। मालिक के लड़कों का वो अपने लड़के की तरह लालन पालन करती है, उन्हें
मेरा मुन्ना मेरा राजा कहती है, पर मन ही मन खूब जानती है कि ये मेरे कोई नहीं है। कछुआ रहता तो पानी में है, पर उसका मन रहता है किनारे पर, जहां उसके अंडे रखे हैं। संसार का काम करो, पर मन रखो ईश्वर में। बिना भगवत भक्ति पाए यदि संसार में रहोगे, तो दिनों दिन उलझनों में फंसते जाओगे, और यहां तक फंस जाओगे कि फिर पिंड छुड़ाना कठिन होगा। रोग शोक तापादि से अधीर हो जाओगे। विषय चिंतन जितना ही करोगे, आसक्ति भी उतनी ही अधिक बढ़ेगी। हाथों में तेल लगाकर कटहल काटना चाहिए, नहीं तो हाथों में उसका दूध चिपक जाता है। भगवत भक्ति रूपी तेल हाथों में लगाकर संसार रूपी कटहल के लिए हाथ बढ़ाओ। परंतु यदि भक्ति पाने की इच्छा हो तो निर्जन में रहना होगा। मक्खन खाने की इच्छा हो तो दही निर्जन में ही जमाया जाता है, हिलाने डुलाने से दही नहीं जमता। इसके बाद निर्जन में ही सब काम छोड़कर दही मथा जाता है, तभी मक्खन निकलता है। देखो, निर्जन में ही ईश्वर का चिंतन करने से ये मन भक्ति ज्ञान और वैराग्य का अधिकारी होता है। इस मन को यदि संसार में डाल रखोगे तो ये नीच हो जाएगा। संसार में कामिनी कांचन के चिंतन के सिवा और है ही क्या। संसार जल है और मन मानो दूध। यदि पानी में डाल दोगे तो दूध पानी में मिल जाएगा, पर उसी दूध का निर्जन में मक्खन बनाकर यदि पानी में छोड़ोगे तो मक्खन पानी में उतराता रहेगा। इस प्रकार निर्जन में साधना द्वारा ज्ञान भक्ति प्राप्त करके यदि संसार में रहोगे भी तो संसार से निर्लिप्त रहोगे। साथ ही साथ विचार भी खूब करना चाहिए। कामिनी और कांचन अनित्य हैं, एकमात्र ईश्वर ही नित्य है। रुपए से क्या मिलता है? रोटी दाल कपड़े रहने की जगह, बस यहीं तक। रुपए से ईश्वर नहीं मिलते तो रुपया जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। इसी को विचार कहते हैं, समझे? जी हाँ, अभी अभी मैंने प्रबोध चंद्रोदय नाटक पढ़ा है, उसमें वस्तु विचार है। हाँ, वस्तु विचार। देखो, रुपए में ही क्या है और सुंदरी की देह में भी क्या है। विचार करो, सुंदरी की देह में केवल हाड़ मांस चर्बी मल मूत्र यही सब है। ईश्वर को छोड़ इन्हीं वस्तुओं में मनुष्य मन क्यों लगाता है? क्यों वो ईश्वर को भूल जाता है? क्या ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। बीच बीच में एकांतवास, उनका नाम गुणगान और वस्तु विचार करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। कैसी अवस्था हो तो ईश्वर के दर्शन हो? खूब व्याकुल होकर रोने से उनके दर्शन होते हैं। स्त्री या लड़के के लिए लोग आंसुओं की धारा बहाते हैं। रुपए के लिए रोते हुए आंखें लाल कर लेते हैं, पर ईश्वर के लिए कोई कब रोता है? ईश्वर को व्याकुल होकर पुकारना चाहिए। ये कहकर श्री रामकृष्ण गाने लगे। भावार्थ इस प्रकार है, मन तू सच्ची व्याकुलता के साथ पुकार कर तो देख, भला देखें वह श्यामा बिना सुने कैसे रह सकती है। तुझे यदि मां काली के दर्शन की अत्यंत तीव्र इच्छा हो तो जवा पुष्प और विल्व पुष्प लेकर उन्हें भक्ति चंदन से लिप्त कर मां के चरणों में पुष्पांजलि दे। व्याकुलता हुई कि मानो आसमान पर सुबह की लाली छा गई, शीघ्र ही सूर्य भगवान निकलते हैं। व्याकुलता के बाद ही भगवत दर्शन होते हैं।
बात यह है कि ईश्वर को प्यार करना चाहिए, विषय पर विषयी की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की जो प्रीति है उसे एकत्रित करने से जितनी प्रीति होती है उतनी ही प्रीति से ईश्वर को बुलाने से उस प्रेम का महाआकर्षण ईश्वर को खींच लाता है। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करके माँ को पुकारता भर है, उसकी माँ जहाँ उसे रखती वहीं वो रहता है, कभी राख की ढेरी पर, कभी जमीन पर तो कभी बिछौने पर। यदि उसे कष्ट होता है तो बस वो म्याऊं म्याऊं करता है और कुछ नहीं जानता। माँ चाहे जहां रहे म्याऊं म्याऊं सुनकर आ जाती है। तृतीय दर्शन। नरेंद्र, भावनाथ तथा मास्टर। मास्टर उस समय वराहनगर में अपनी बहन के यहां ठहरे थे। जब से श्री रामकृष्ण के दर्शन हुए तब से मन में सब समय उन्हीं का चिंतन चल रहा है। मानो आंखों के सामने सदा वही आनंदमय रूप दिखाई दे रहा हो, कानों में वही अमृतमय वाणी सुनाई दे रही हो। मास्टर सोचने लगे, इस निर्धन ब्राह्मण ने इन गंभीर आध्यात्मिक तत्वों को कैसे खोज निकाला, किस प्रकार उनका ज्ञान प्राप्त किया। इसके पहले उन्होंने इतनी सरलता से इन गूढ़ तत्वों को समझाते हुए किसी को नहीं देखा था। मास्टर दिन रात यही विचार करने लगे कि कब उनके पास जाऊं और उन्हें देखूं। देखते ही देखते रविवार 5 मार्च आ गया। वराहनगर के नेपाल बाबू के साथ दोपहर को 3-4 बजे के लगभग वे दक्षिणेश्वर में आ पहुंचे। देखा श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटे तखत के ऊपर विराजमान हैं। कमरा भक्तों से ठसाठस भरा हुआ है। रविवार के कारण अवसर पाकर कई भक्त दर्शन के लिए आए हैं। उस समय मास्टर का किसी के साथ परिचय नहीं हुआ था। वे भीड़ में एक ओर जाकर बैठ गए। देखा श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ प्रसन्न मुख हो वार्तालाप कर रहे हैं। एक 19 साल के लड़के की ओर देखते हुए श्री रामकृष्ण बड़े आनंद के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। लड़के का नाम है नरेंद्र, बाद में यही स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। अभी ये कॉलेज में पढ़ते हैं और साधारण ब्रह्म समाज में कभी कभी जाते हैं। इनकी आंखें पानीदार और बातें जोशीली हैं, चेहरे पर भक्ति भाव है। मास्टर को अनुमान से मालूम हुआ कि विषयासक्त संसारियों की बातें चल रही हैं। ये लोग ईश्वर भक्त धर्मपरायण व्यक्तियों की निंदा किया करते हैं। फिर संसार में कितने दुर्जन व्यक्ति हैं, उनके साथ किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए, ये सब बातें होने लगीं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र से कहते हैं, क्यों नरेंद्र, भला तू क्या कहेगा, संसारी मनुष्य तो ना जाने क्या क्या कहते हैं, पर याद रहे कि जब हाथी जाता है तब उसके पीछे पीछे कितने ही जानवर बेतरह चिल्लाते हैं, पर हाथी लौट कर देखता तक नहीं। तेरी कोई निंदा करे तो तू क्या समझेगा। मैं तो यह समझूंगा कि कुत्ते भौंकते हैं। अरे नहीं, यहां तक नहीं। सभी हंसने लगते हैं। सर्वभूतों में परमात्मा का ही वास है, पर मेल मिलाप करना हो तो भले आदमियों से ही करना चाहिए, बुरे आदमियों से अलग ही रहना चाहिए। बाघ में भी परमात्मा का वास है, इसलिए क्या बाघ को भी गले लगाना चाहिए। यदि कहो कि बाघ भी तो नारायण है, इसलिए क्यों भागे, इसका उत्तर यह है कि जो लोग कहते हैं कि भाग चलो, वे भी तो नारायण हैं, उनकी बात क्यों ना मानो। एक कहानी सुनो। किसी जंगल में एक महात्मा थे, उनके कई शिष्य थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि सर्वभूतों में नारायण का वास है, यह जानकर सभी को नमस्कार करो। एक दिन एक शिष्य हवन के लिए जंगल में लकड़ी लेने गया। उस समय जंगल में यह शोरगुल मचा था कि कोई कहीं तो भागो, पागल हाथी आ रहा है।
सभी भाग गए पर शिष्य ना भागा। उसे तो यह विश्वास था कि हाथी भी नारायण है, इसलिए भागने का क्या काम। वो खड़ा ही रहा, हाथी को नमस्कार किया और उसकी स्तुति करने लगा। इधर महावत की ऊंची आवाज लगाने पर भी कि भागो भागो, उसने पैर ना उठाए। पास पहुंचकर हाथी ने उसे सूंड से लपेट कर एक ओर फेंक दिया और अपना रास्ता लिया। शिष्य घायल हो गया और बेहोश पड़ा रहा। यह खबर गुरु के कान तक पहुंची। वे अन्य शिष्यों को साथ लेकर वहां गए और उसे आश्रम में उठा लाए। वहां उसकी दवा दारू की, तब वो होश में आया। कुछ देर बाद किसी ने उससे पूछा, हाथी को आते सुनकर तुम वहां से हट क्यों ना गए। उसने कहा कि गुरुजी ने कह तो दिया था कि जीव जंतु आदि सब में परमात्मा का ही वास है, नारायण ही सब कुछ किए हुए हैं, इसीलिए हाथी नारायण को आते देख मैं नहीं भागा। गुरुजी पास में ही थे, उन्होंने कहा, बेटा हाथी नारायण आ रहे थे ठीक है, पर महावत नारायण ने तो तुम्हें मना किया था। यदि सभी नारायण हैं तो उस महावत की बात पर विश्वास क्यों न किया। महावत नारायण की भी बात मान लेनी चाहिए थी। सभी हंस पड़े। शास्त्रों में है आपो नारायण, जल नारायण है, परंतु किसी जल से देवता की सेवा होती है और किसी से लोग मुंह हाथ धोते हैं, कपड़े धोते हैं और बर्तन मांजते हैं, किंतु वो जल न पीते हैं, न ठाकुर जी की सेवा में ही लगाते हैं। इसी प्रकार साधु असाधु, भक्त अभक्त, सभी के हृदय में नारायण का वास है, किंतु असाधुओं अभक्तों से व्यवहार या अधिक हेल मेल नहीं चल सकता। किसी से सिर्फ बातचीत भर कर लेनी चाहिए और किसी से वो भी नहीं, ऐसे आदमियों से अलग रहना चाहिए। एक भक्त, महाराज यदि दुष्ट जन अनिष्ट करने पर उतारू हों या कर डालें तो क्या चुपचाप बैठे रहना चाहिए। दुष्ट जनों के बीच रहने से उनसे अपना जी बचाने के लिए कुछ तमोगुण दिखाना चाहिए, परंतु कोई अनर्थ कर सकता है ये सोचकर उसी का अनर्थ नहीं करना चाहिए। किसी जंगल में कुछ चरवाहे गौएं चराते थे, वहां एक बड़ा विषधर सर्प रहता था। उसके डर से लोग बड़ी सावधानी से आया जाया करते थे। किसी दिन एक ब्रह्मचारी जी उसी रास्ते से आ रहे थे। चरवाहे दौड़ते हुए उनके पास आए और उनसे कहा, महाराज इस रास्ते से न जाइए, यहां एक सांप रहता है, बड़ा विषधर है। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तो क्या हुआ बेटा, मुझे कोई डर नहीं, मैं मंत्र जानता हूं। ये कहकर ब्रह्मचारी जी उसी ओर चले गए। डर के मारे चरवाहे उनके साथ न गए। इधर सांप फन उठाए झपटता चला आ रहा था, परंतु पास पहुंचने से पहले ही ब्रह्मचारी जी ने मंत्र पढ़ा। सांप आकर उनके पैरों पर लोटने लगा। ब्रह्मचारी जी ने कहा, तू भला हिंसा क्यों करता है, ले मैं तुझे मंत्र देता हूं, इस मंत्र को जपेगा तो ईश्वर पर भक्ति होगी, तुझे ईश्वर के दर्शन होंगे, फिर यह हिंसा वृत्ति न रह जाएगी। ये कहकर ब्रह्मचारी जी ने सांप को मंत्र दिया। मंत्र पाकर सांप ने गुरु को प्रणाम किया और पूछा, भगवन मैं क्या साधना करूं। गुरु ने कहा, इस मंत्र को जप और हिंसा छोड़ दे। चलते चलते ब्रह्मचारी जी फिर आने का वचन दे गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। चरवाहों ने देखा कि सांप अब काटता नहीं, ढेला मारने पर भी गुस्सा नहीं होता, केंचुए की तरह हो गया है। एक दिन चरवाहों ने उसके पास जाकर पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और वहीं पटक दिया। सांप के मुंह से खून बह चला, वो बेहोश पड़ा रहा, हिल डुल ना सकता था। चरवाहों ने सोचा कि सांप मर गया और ये सोचकर वे वहां से चले गए। जब बहुत रात बीती तब सांप होश में आया और धीरे धीरे अपने बिल के भीतर गया।
देह चूर चूर हो गई थी, हिलने तक की शक्ति नहीं रह गई थी। बहुत दिनों के बाद जब चोट कुछ अच्छी हुई तब भोजन की खोज में बाहर निकला। जब से मारा गया तब से सिर्फ रात को ही बाहर निकलता था, हिंसा करता ही नहीं था, सिर्फ घास फूस फल फूस खाकर रह जाता था। साल भर बाद ब्रह्मचारी फिर आए, आते ही सांप की खोज करने लगे। चरवाहों ने कहा वो तो मर गया, पर ब्रह्मचारी जी को इस बात पर विश्वास ना आया। वे जानते थे कि जो मंत्र वे दे गए हैं वो जब तक सिद्ध ना होगा तब तक सांप की देह छूट नहीं सकती। ढूंढते हुए उसी ओर वे अपने दिए हुए नाम से सांप को पुकारने लगे। बिल से गुरुदेव की आवाज सुनकर सांप निकल आया और बड़े भक्ति भाव से प्रणाम किया। ब्रह्मचारी जी ने पूछा, क्यों कैसा है? उसने कहा, जी अच्छा हूं। तो तू इतना दुबला क्यों हो गया है? महाराज, जब से आप आज्ञा दे गए तब से मैं हिंसा नहीं करता, फल फूल घास पात खाकर पेट भर लेता हूं, इसीलिए शायद दुबला हो गया हूं। सत्वगुण बढ़ जाने के कारण किसी पर वो क्रोध ना कर सकता था, इसीलिए मार की बात भी वो भूल गया था। ब्रह्मचारी जी ने कहा, सिर्फ ना खाने से ही किसी की ये दशा नहीं होती, कोई दूसरा कारण अवश्य होगा, तू अच्छी तरह सोच तो। सांप को फिर चरवाहों की मार याद आई। उसने कहा, हां महाराज अब याद आई, चरवाहों ने एक दिन मुझे पटक पटक कर मारा था। उन अज्ञानियों को तो मेरे मन की अवस्था मालूम थी नहीं, वे क्या जाने कि मैंने हिंसा करना छोड़ दिया है। ब्रह्मचारी जी बोले, राम राम राम, तू ऐसा मूर्ख है, अपनी रक्षा करना भी तू नहीं जानता। मैंने तो तुझे काटने को ही मना किया था, पर फुफकारने से तुझे कब रोका था? फुफकार मार कर उन्हें भय क्यों नहीं दिखाया? इस तरह दुष्टों के पास फुफकार मारना चाहिए, भय दिखाना चाहिए, जिससे कि वे अनिष्ट ना कर बैठें, पर उनमें विष ना डालना चाहिए, उनका अनिष्ट नहीं करना चाहिए। परमात्मा की सृष्टि में नाना प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, पशुओं में अच्छे हैं और बुरे भी, उसमें बाघ जैसा हिंस प्राणी भी है, पेड़ों में अमृत जैसे फल लगे हैं ऐसे पेड़ भी हैं, और विष जैसे फल हों ऐसे भी हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी भले बुरे और साधु असाधु हैं, उनमें संसारी जीव भी हैं और भक्त भी। जीव चार प्रकार के होते हैं, बद्ध मुमुक्षु मुक्त और नित्य। नारद आदि नित्य जीव हैं, ऐसे जीव औरों के हित के लिए उन्हें शिक्षा देने के लिए संसार में रहते हैं। बद्ध जीव विषय में फंसा रहता है, वो ईश्वर को भूल जाता है, भगवत चिंतन वो कभी नहीं करता। मुमुक्षु जीव वह है जो मुक्ति की इच्छा रखता है। मुमुक्षुओं में से कोई कोई मुक्त हो जाते हैं, कोई कोई नहीं हो सकते। मुक्त जीव संसार के कामनी कांचन में नहीं फंसते जैसे साधु महात्मा, इनके मन में विषय बुद्धि नहीं रहती, ये सदा ईश्वर के ही पाद पद्मों की चिंता करते हैं। जब जाल तालाब में फेंका जाता है तब जो दो चार होशियार मछलियां होती हैं वे जाल में नहीं आती, यह नित्य जीवों की उपमा है। किंतु अनेक मछलियां जाल में फंस जाती हैं, उनमें से कुछ निकलकर भागने की भी चेष्टा करती हैं, यह मुमुक्षुओं की उपमा है। परंतु सब मछलियां नहीं भाग सकती, केवल दो चार उछल उछल कर जाल से बाहर हो जाती हैं। तब मछुआ कहता है, अरे एक बड़ी मछली बह गई, किंतु जो जाल में पड़ी है उनमें से अधिकांश मछलियां निकल नहीं सकती, वे भागने की चेष्टा भी नहीं करती।
जाल को मुंह में फांस कर मिट्टी के नीचे सिर घुसेड़ कर चुपचाप पड़ी रहती हैं और सोचती हैं अब कोई भय की बात नहीं, बड़े आनंद में हैं। पर वे नहीं जानती कि मछुआ घसीट कर उन्हें ले जाएगा। यह बद्ध जीवों की उपमा है। बद्ध जीव संसार के कामनी कांचन में फंसे हैं, उनके हाथ पैर बंधे हैं, किंतु फिर भी वे सोचते हैं कि संसार में कामनी कांचन में ही सुख है और यहां हम निर्भय हैं। वे नहीं जानते इन्हीं में उनकी मृत्यु होगी। बद्ध जीव जब मरता है तब उसकी स्त्री कहती है, तुम तो चले पर मेरे लिए क्या कर गए। माया भी ऐसी होती है कि बद्ध जीव पड़ा तो है मृत्युशैया पर चिराग में ज्यादा बत्ती जलती हुई देखकर कहता है, तेल बहुत जल रहा है, बत्ती कम करो। बद्ध जीव ईश्वर का स्मरण नहीं करता। यदि अवकाश मिला तो या तो गप करता है या फालतू काम करता है। पूछने पर कहता है, क्या करूं, चुपचाप बैठ नहीं सकता, इसी से घेरा बांध रहा हूं। कभी ताश ही खेलकर समय काटता है। एक भक्त पूछता है, महाराज इस संसार के संसारी जीवों के लिए क्या कोई उपाय नहीं है। उपाय अवश्य है। कभी कभी साधुओं का संग करना चाहिए और कभी कभी निर्जन स्थान में ईश्वर का स्मरण और विचार। परमात्मा से भक्ति और विश्वास की प्रार्थना करनी चाहिए। विश्वास हुआ कि सफलता मिली। विश्वास से बढ़कर और कुछ नहीं है। विश्वास में कितना बल है ये तो तुमने सुना है ना। पुराणों में लिखा है कि रामचंद्र को, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म नारायण है, लंका जाने के लिए सेतु बांधना पड़ा, परंतु हनुमान राम नाम के विश्वास ही से कूदकर समुद्र के पार चले गए। उन्होंने सेतु की परवाह नहीं की। किसी को समुद्र के पार जाना था। विभीषण ने एक पत्ते पर राम नाम लिखकर उसके कपड़े के खूंट में बांधकर कहा कि तुम्हें अब कोई भय नहीं, विश्वास करके पानी के ऊपर से चले जाओ, किंतु यदि तुम्हें अविश्वास हुआ तो तुम डूब जाओगे। वह मनुष्य बड़े मजे में समुद्र के ऊपर से चला जा रहा था। उसी समय उसकी ये इच्छा हुई कि गांठ को खोलकर देखूं तो इसमें क्या बंधा है। गांठ खोलकर उसने देखा तो एक पत्ते पर राम नाम लिखा था। ज्यों ही उसने सोचा कि अरे इसमें तो सिर्फ राम नाम लिखा है, अविश्वास हुआ कि वो डूब गया। जिसका ईश्वर पर विश्वास है वो यदि महापातक करे, गो ब्राह्मण स्त्री हत्या भी करे, तो भी इस विश्वास के बल से वो बड़े बड़े पापों से मुक्त हो सकता है। वो यदि कहे कि ऐसा काम कभी ना करूंगा तो उसे फिर किसी बात का भय नहीं। ये कहकर श्री रामकृष्ण ने इस मर्म का बांग्ला गीत गाया, दुर्गा दुर्गा अगर जपूं मैं, जब मेरे निकलेंगे प्राण, देखूं कैसे नहीं तारती, कैसे हो करुणा की खान। गो ब्राह्मण की हत्या करके, करके भी मदिरा का पान, जरा नहीं परवाह पापों की, लूंगा निश्चय पद निर्वाण। नरेंद्र की बात चली, श्री रामकृष्ण भक्तों से कहने लगे, इस लड़के को यहां एक प्रकार देखते हो, चुलबुला लड़का जब बाप के पास बैठता है तब चुपचाप बैठा रहता है, और जब चांदनी पर खेलता है तो उसकी और ही मूर्ति हो जाती है। ये लड़के नित्य सिद्ध हैं, ये कभी संसार से नहीं बंधते। थोड़ी ही उम्र में इन्हें चैतन्य होता है और ये ईश्वर की ओर चले जाते हैं। ये संसार में जीवों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। संसार की कोई वस्तु इन्हें अच्छी नहीं लगती,
कामिनी कांचन में ये कभी नहीं पढ़ते। वेदों में होमा पक्षी की कथा है। ये चिड़िया आकाश में बहुत ऊंचाई पर रहती है, वहीं ये अंडे देती है। अंडा देते ही वह गिरने लगता है, परंतु इतने ऊंचे से वह गिरता है कि गिरते गिरते बीच में ही फूट जाता है। तब बच्चा गिरने लगता है। गिरते ही गिरते उसकी आंखें खुलती और पंख निकल आते हैं। आंखें खुलने से जब वो बच्चा देखता है कि मैं गिर रहा हूं और जमीन पर गिरकर चूर चूर हो जाऊंगा, तब वो एकदम अपनी मां की ओर फिर ऊंचे चढ़ जाता है। नरेंद्र उठ गए। सभा में केदार, प्राणकृष्ण, मास्टर आदि और भी कई सज्जन थे। अब श्री रामकृष्ण बोले, देखो नरेंद्र, गाने में, बजाने में, पढ़ने लिखने में, सब विषयों में अच्छा है। उस दिन केदार के साथ उसने तर्क किया था, केदार की बातों को खटाखट काटता गया। श्री रामकृष्ण और सब लोग हंस पड़े। श्री रामकृष्ण मास्टर से कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कोई तर्क की किताब है? जी हां है, अंग्रेजी में इसको न्यायशास्त्र लॉजिक कहते हैं। अच्छा, कैसा है, कुछ सुनाओ तो। मास्टर अब मुश्किल में पड़े, आखिर कहने लगे, एक बात यह है कि साधारण सिद्धांत से विशेष सिद्धांत पर पहुंचना, जैसे सब मनुष्य मरेंगे, पंडित भी मनुष्य है इसलिए वे भी मरेंगे, और एक बात यह है कि विशेष दृष्टांत या घटना को देखकर साधारण सिद्धांत पर पहुंचना, जैसे ये कौवा काला है, वो कौवा काला है, और जितने कौवे दिख पड़ते हैं वे भी काले हैं इसलिए सब कौवे काले हैं। किंतु उस प्रकार के सिद्धांत से भूल भी हो सकती है, क्योंकि संभव है ढूंढ तलाश करने से किसी देश में सफेद कौवा मिल जाए। एक और दृष्टांत, जहां वृष्टि है वहां मेघ भी है, अतएव ये साधारण सिद्धांत हुआ कि मेघ से वृष्टि होती है। और भी एक दृष्टांत, इस मनुष्य के 32 दांत हैं, उस मनुष्य के 32 दांत हैं, और जिस मनुष्य को देखते हैं उसी के 32 दांत हैं, अतएव सब मनुष्यों के 32 दांत हैं। इस प्रकार के साधारण सिद्धांत की बातें अंग्रेजी न्यायशास्त्र लॉजिक में हैं। श्री रामकृष्ण ने इन बातों को सुन भर लिया, फिर वे अन्य मनस्क हो गए, इसलिए ये प्रसंग और आगे ना बढ़ा। सभा भंग हुई, भक्त सब इधर उधर घूमने लगे, मास्टर भी पंचवटी आदि स्थानों में घूम रहे थे। समय 5 के लगभग होगा। कुछ देर के बाद वे श्री रामकृष्ण के कमरे में आए। उन्होंने देखा उसके उत्तर की ओर छोटे बरामदे में अद्भुत घटना हो रही है। श्री रामकृष्ण स्थिर भाव से खड़े हैं और नरेंद्र गा रहे हैं। 2-4 भक्त भी खड़े हैं। मास्टर आकर गाना सुनने लगे। गाना सुनते हुए वे मुग्ध हो गए। श्री रामकृष्ण के गाने को छोड़कर ऐसा मधुर गाना उन्होंने कभी कहीं नहीं सुना था। अकस्मात श्री रामकृष्ण की ओर देखकर वे स्तब्ध हो गए। श्री रामकृष्ण की देह निस्पंद हो गई थी और नेत्र निर्निमेश। श्वासोच्छ्वास चल रहा था या नहीं बताना कठिन है। पूछने पर एक भक्त ने कहा, यह समाधि है। मास्टर ने ऐसा न कभी देखा था न सुना था। वे विस्मित होकर सोचने लगे, भगवत चिंतन करते हुए मनुष्यों का बाह्य ज्ञान क्या यहां तक चला जाता है? न जाने कितनी भक्ति और विश्वास हो तो मनुष्यों की यह अवस्था होती है। नरेंद्र जो गीत गा रहे थे उसका भाव यह है, हे मन, तू चिदघन हरि का चिंतन कर, उसकी मोहन मूर्ति की कैसी अनुपम छटा है जो भक्तों का मन हर लेती है। वह रूप नए नए वर्णों से मनोहर है, कोटि चंद्रमाओं को लज्जाने वाली है। उसकी छटा क्या है, मानो बिजली चमकती है, उसे देख आनंद से जी भर जाता है। गीत के इस चरण को गाते समय श्री रामकृष्ण चौंकने लगे, देह पुलकायमान हुई, आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे।
बीच बीच में मानो कुछ देखकर मुस्कुराते हैं। कोटि चंद्रमाओं को लजाने वाले उस अनुपम रूप का वे अवश्य दर्शन करते होंगे। क्या यही ईश्वर दर्शन है? कितनी साधना, कितनी तपस्या, कितनी भक्ति और विश्वास से ईश्वर का ऐसा दर्शन होता है। फिर गाना होने लगा। भावार्थ था, हृदय रूपी कमलासन पर उनके चरणों का भजन कर शांत मन और प्रेम भरे नेत्रों से उस अपूर्व मनोहर दृश्य को देख ले। फिर वही जगत को मोहने वाली मुस्कुराहट, शरीर वैसा ही निश्चल हो गया, आंखें बंद हो गईं, मानो कुछ अलौकिक रूप देख रहे हैं और देखकर आनंद से भरपूर हो रहे हैं। अब गीत समाप्त हुआ। नरेंद्र ने गाया उसका भावार्थ। चिदानंद रस में, प्रेमानंद रस में परम भक्ति से चिरदिन के लिए मग्न हो जा।